आगे की कथा बढ़ाऊं इसके पहले हमारे बीच में परम महानुभाव मुजफ्फर भाई हुसैन जी आए हैं, चंद्रकांत भाई आए हैं। आइए दो शब्द उनका श्रवण करेंगे। आप तो कथाकारी हैं जानता महाराज जी। सम्मान्य व्यासपीठ, उपस्थित सभी भक्तजन, जब आपकी कथा चलती है तो मन करता है उसे सुनता चला जाए। हरि बोल। भगवान श्री कृष्ण का वरदान है हर व्यक्ति कथा नहीं सुना सकता, पर हर व्यक्ति अगर कथा सुनाए तो सुनने का मन भी नहीं कर सकता। ये ईश्वर की इच्छा होती है कि ईश्वर का गुणगान किसके शब्दों से और किसके मुंह से सुना जाए, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण का वरदस्त है आपको आशीर्वाद प्राप्त। अब हमको प्राप्त होता तो हमारे भी नाम के आगे श्री श्री मुजफ्फर हुसैन जी पंडित महाराज रख दिया गया। मगर भगवान ने हमसे कहा कि बेटा तुम वाटर गटर मीटर का ही काम करो। ये पृथ्वी पे मनुष्य जन्म जो लेता है, आप और हम, आपका हमारा जीवन चंद वर्षों का है, और ये हस्तरेखा में ईश्वर सब कुछ लिख के भेज देता है। ये तो मनुष्य का पागलपन है जो वो कहता है कि ये मैंने किया। हम कहते हैं कि ये मैंने किया, कि जो मैं शब्द जहां आ जाता है वही मनुष्य का अंत हो जाता है। अहंकार, ये मैं शब्द में अहंकार है, वो होना चाहिए समाज ने किया, ईश्वर ने किया। सृष्टि का निर्माण, मनुष्य का निर्माण परम परमेश्वर ने किया, और दुनिया को ज्ञान देने के लिए भागवत गीता बनी, विष्णु भगवान श्री कृष्ण का अवतार लेकर के पता नहीं महाराज सब कितने बार आए, और वो इसीलिए आए कि जब तक की सृष्टि रहेगी और मानवता धर्म रहेगा तब तक की ये पाठ चलता है। क्योंकि इस पाठ के माध्यम से मनुष्य के जीवन में, आपके हमारे जीवन में क्या आपको हमको सही करना है, क्या गलत करना है, करने से बचना है, क्या न्याय करना है और क्या अन्याय से बचना है, सच्चाई का साथ देना है, गलत से दूर रहना है, यही सारा इस भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की लीला करके उस माध्यम से बताई। वरना भगवान तो भगवान थे, उनको मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पे आकर के ये महाभारत करने की जरूरत नहीं थी, वो तो चक्री चला करके पूरी महाभारत कर सकते थे, मगर मनुष्य का रूप धारण करके आए ये मनुष्य जाति को हमेशा बताने के लिए कि आपको धर्म का काम अगर करना है, कर्म का काम करना है, अच्छाई का काम करना है, तो ये आपके मनुष्य के जीवन में करना है, और ये मनुष्य का जीवन थोड़े ही समय के लिए है, वरना तो श्री कृष्ण जी का भी अंत नहीं होता था। हुआ ना, नहीं होता था, तो इससे क्या सीखने मिलता है? इससे ये सीखने मिलता है कि मनुष्य का जीवन थोड़े समय के लिए है, और इसलिए मनुष्य ने अहंकार से दूर रहना चाहिए कि कौन सा धर्म और कौन सा मनुष्य किस जाति बिरादरी में कैसे जन्म लेगा। कल जन्म लेने वाला बच्चा जो होता है उसे ये पता नहीं होता कि वो किस माँ की कोख में जन्म लेगा, किस समाज में जन्म लेगा, किस धर्म में लेगा, किस पृथ्वी पे लेगा, किस समाज में लेगा, किस देश में लेगा, और ना कि आपको हमारे खुद का अंत का पता होता है। पता नहीं अभी मैं नीचे उतरते उतरते मेरा अंत हो जाए, तो ये क्षण जो होता है, इस छोटे से जीवन को एक क्षण के रूप में देख के जितनी खुशियां हम बांट सके, अच्छाई बांट सके, सच का साथ दे सके, माता पिता की सेवा कर सके। जिसने माता पिता की सेवा कर लिया उसने स्वर्ग पा लिया। सब में बड़ी पुण्याई है अपनी माँ और पिता की सेवा करना। मैं समझता हूँ भागवत गीता, इसीलिए महाराज जी ये कथा तो
सृष्टि है कब तक चलेगी, और आपके शब्दों की रचना और आपकी कथा सुनने के लिए अब हमको अमेरिका भी आना पड़ेगा। आपकी खबर हम भी रखते हैं कि अभी आपको ग्रीन कार्ड मिल गया है और आप फ्लोरिडा हो गए हैं। हमारा काम वही है कि पानी किसके घर जा रहा है, कौन सा रास्ता किसके घर जा रहा है, इस रास्ते से कौन अमेरिका पहुंच गया है, ये काम हमारा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। तीसरे दिन में हमारे आदरणीय मुजफ्फर भाई पधारे हैं, एज यूजुअल हमारी प्रत्येक कथा में होते हैं, और चंद्रकांत भाई आए हैं। कथा का प्रसंग चल रहा है कि रुक्मणी ने महाराष्ट्र से पत्र लिखा द्वारिका। महाराष्ट्र में कुंडिनपुर में विदर्भ देश के राजा की बेटी है कि कृष्णा आप आओ और शिशुपाल के साथ में विवाह करना नहीं चाहती, आप आइए और मुझे लेकर जाइए। 5 घोड़े वाला रथ है, कृष्ण रथ पर बैठे और रथ को बुलाए और घोड़े को कहे कि आज तक तुम दूसरों के लिए भागे, अर्जुन के लिए, युधिष्ठिर के लिए, आज मेरी इज्जत का सवाल है। वायु वेग से रथ दौड़ने लगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा का रथ रुक्मणी के गांव में पहुंचा। रुक्मणी की परंपरा कुछ ऐसी थी कि बेटी का विवाह, बेटी जब विवाह मंडप में जाए तो पहले देवी माता का दर्शन करे, ठीक है 2 मिनट के लिए फिर बाद में करना है, पहले देवी माता का दर्शन करे और दर्शन करके विवाह मंडप में जाए। रुक्मणी अनेक सखियों के साथ घिरी हुई है, देवी माता का दर्शन करने जा रही है, और रुक्मणी ने पत्र में लिखा था कि जब मंदिर से मैं लौटूंगी तब मंदिर की सीढ़ी पर आप आइएगा और मुझे लेकर जाइएगा। रुक्मणी धीरे 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 वापस लौट रही है। रुक्मणी के मन में संकल्प विकल्प, कृष्ण आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, अनेक संकल्प रुक्मणी को एक एक कदम एक एक कल्प के समान लग रहा है। और वहां उस मंदिर के सीढ़ी के पास विदर्भ नरेश, मगध नरेश, जरासंध, शिशुपाल, रुक्मी, ये सब लोग अपनी लाखों की सेना को तैनात करके खड़े हैं। तब तक कोई आदमी आया और कहा कि कृष्ण यहाँ पर आ चुका है, अनाउंसमेंट हुआ कि कृष्ण आ चुका, वह छलिया वह कपटी आ चुका है। अब कृष्ण को देखते ही, अब कोई ऑर्डर नहीं, फाइनल ऑर्डर, कृष्ण को देखते ही उसे मार दो। सारी सेना तैयार, लाखों करोड़ों की सेना तैयार, सबकी एक ही दृष्टि, कृष्ण कहां। और रुक्मणी धीरे 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 आगे बढ़ रही है, और उसी समय भगवान कृष्ण अपना दिव्य रथ लेकर प्रकट हो गए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे बिजली कड़के, वहां पर एक बहुत बड़ा कांड हुआ। Dadu rat kaam mai ro kunai
बिजली की तरह प्रकट हुए और कृष्ण ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, रुक्मणी ने अपना हाथ बढ़ाया, कृष्ण ने रुक्मणी का हाथ खींचा और अपने रथ पर बिठाया। जैसे हजारों सियारों के बीच में वनराज केसरी सिंह प्रकट होता है, जब हजार सियारों के बच्चे केसरी सिंह आवे, हरि जन घेर न होई जना फरिया मा कुंजर फरे, एने वही नी बात न होई केहरी बच्चा ने कांगड़ा। अकेले कृष्ण सिंह की तरफ उस लाखों की सेना के बीच में आए, जैसे सिंह सियारों के बीच में से अपने भोजन का भाग लेकर निकल जाता है और सारे सियार हाऊ 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 करते रह जाते हैं, जैसे कृष्ण सिंह रुक्मणी को लेकर चले गए और सारी सेना हाऊ हाऊ करते रह गई कि कौन आया, कहां से आया, कहां गया, इसकी भी पता नहीं चला। और भगवान और द्वारिका जाकर कृष्ण ने रुक्मणी के साथ विवाह किया और देवताओं ने जय जयकार की। श्री रुक्मणी द्वारिकाधीश भगवान कृष्णचंद्र भगवान सुदेव गोस्वामी ने इस प्रसंग में एक नहीं, दो बार नहीं, दस दस बार संबोधन करते हुए कहा कि कृष्ण सिंह, कृष्ण सिंह, कृष्ण सिंह के समान। आइए पुनः 12-13-13 हेम सिंहा समन्वितम, हेम स्वर्ण माने कृष्ण और सिंह माने कृष्ण के चरण। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन कृष्ण के चरणों में भागवत रखकर दान करने से परमाम गति वैकुंठ की गति।